हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम BCom पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के संबंध में नेट प्रॉफिट रेशियो के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले आपको ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड विभिन्न एक्सपेंसेस रेशियो आदि के बारे में बताया गया था, और इसी कड़ी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नेट प्रॉफिट रेशियो के संबंध में आज अध्ययन अध्यापन करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो एक फर्म के परिचालन से आय तथा शुद्ध लाभ के बीच संबंध प्रकट करता है। शुद्ध लाभ विशेष लेखांकन अवधि में आगम का व्यय पर अधिक है। यह मुख्य व्यवसाय के लाभ तथा गौण कार्यों के लाभ का योग होता है। दूसरे शब्दों में परिचालन लाभ में गौण लाभ को जोड़कर शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। सूत्र रूप में नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है, एक कंपनी का सकल लाभ अनुपात 25% है। इसके अप्रत्यक्ष व्यय 20,000 रुपये तथा नगद परिचालन से आय 2,00,000 रुपये है। उधार परिचालन से आय कुल परिचालन से आय का 90% है। शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इसका तात्पर्य है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% है और 90% क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि 10 रुपये है तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 100 रुपया। यदि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,00,000 रुपये है तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 20,00,000 रुपये, और GP है 25%। 20,00,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 5,00,000 रुपये, और नेट प्रॉफिट GP माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि 20,000 रुपये है, तो नेट प्रॉफिट बराबर 5,00,000 माइनस 20,000 बराबर 4,80,000 रुपये। अतः नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। 4,80,000 बटे 20,00,000 गुणा 100 बराबर 24% नेट प्रॉफिट रेशो होगा। शुद्ध लाभ की गणना परिचालन लाभ में गैर परिचालन आय जैसे विनियोगों पर ब्याज या लाभांश व स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ आदि जोड़कर तथा गैर परिचालन व्यय जैसे स्थायी संपत्तियों पर हानि, वैधानिक क्षति हेतु आयोजन आदि को घटाकर की जा सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि आयकर के संबंध में कोई एक रूप पद्धति नहीं अपनाई जाती, किंतु यह सभी द्वारा स्वीकार्य है कि आयकर पर प्रबंध का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए कार्यकुशलता का सही माप कर पूर्व लाभ ही है। अतः इस अनुपात की गणना लाभों को 2 भागों, कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में विभाजित करके की जानी चाहिए। यही कारण है कि जब इस अनुपात की गणना प्रबंध की कुशलता का माप करने हेतु की जाती है तब कर से पूर्व लाभ प्रयोग किए जाते हैं, और जब गणना स्वामियों के लिए
या दो संस्थाओं की तुलना हेतु की जाए तब कर पश्चात लाभ को काम में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके निर्वचन एवं महत्व की। नेट प्रॉफिट रेशियो संपूर्ण व्यवसाय की लाभदायकता एवं कार्य कुशलता का सूचक होता है। यह अनुपात न केवल आगमों की वसूली एवं लागतों की पूर्ति करने संबंधी कुशलता दर्शाता है, बल्कि प्रबंध को स्वामियों की पूंजी पर जोखिम के लिए उचित प्रत्यय दिलाने की भी जानकारी देता है। इसलिए यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की कार्य क्षमता एवं लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी तथा साधनों का उतना ही अच्छा उपयोग होगा। इसके विपरीत यह अनुपात जितना कम होगा संस्था की कार्यकुशलता उतनी कम होगी। शुद्ध लाभ तथा परिचालन लाभ अनुपात का अंतर संस्था के गौण कार्यों के महत्व का प्रतीक होता है। अब हमारे सामने एक उदाहरण और है, उसको लेते हैं और उसमें ये सारे अनुपात लिए गए हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो ज्ञात किए गए हैं। उदाहरण है आपके सामने पेंटेक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि विवरण निम्न प्रकार है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस रिटर्न 800,000 रुपये, अदर इनकम नॉन ऑपरेटिंग 4,600 रुपये, टोटल रेवेन्यू 1+2 8,04,600 रुपये। नंबर फोर, एक्सपेंसेज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,16,000, ऑफिस एक्सपेंसेज 48,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 56,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 3,400 और टोटल एक्सपेंसेज 5,23,400 रुपये है। एंड देन पांचवे नंबर नेट प्रॉफिट है 281,200। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एक नोट दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेज 4,20,000, वेजेज 28,000, कैरिज इनवर्ड 8,000, तो ये टोटल 5,16,000 हो गया। और इसमें से यदि क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री घटाते हैं 1,00,000, तो ये 4,16,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, जो कि ऊपर उदाहरण में दर्शाया गया है। अब इसमें कहा गया कि गणना कीजिए जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीपी रेशियो की। जीपी रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 384,000 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 48%। जीपी बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 800,000 माइनस 4,16,000 बराबर 384,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 280,000 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 35%। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पहले घटा दिया था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अब जोड़ा जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जो पहले जोड़ दिया गया था उसको अब घटा दिया जाएगा। इस प्रकार से 281,200 प्लस 3,400 माइनस 4,600 बराबर 280,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। नंबर थर्ड, ऑपरेटिंग रेशियो।
इसको हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो बराबर 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्थात 100 माइनस 35% जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो 65% होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 416,000 प्लस 104,000 बटे 800,000 गुणा 100, 520,000 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 65%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ऑफिस एक्सपेंसेस 48,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 56,000, ये 104,000 है। अब विभिन्न एक्सपेंसेस रेशियोज जिनमें ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो ऑफिस एक्सपेंस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 48,000 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 6%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो बराबर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 56,000 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 7%। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 3400 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 0.425%। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100, 281,200 बटे 800,000 गुणा 100 बराबर 35.15%। ये विभिन्न इस उदाहरण में जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताए गए हैं, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लाभदायकता अनुपातों के संबंध में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।